फ्रेंड्स, एनसीबी द्वारा बड़ी छापेमारी की गई है बुराड़ी में। ये खबर आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। खबर ये है कि द एनसीबी कंडक्टेड अ रेड इन अ फ्लैट इन दिल्ली बुराड़ी, जहाँ से 2700 एल्फ्राजोलम टैबलेट, 2835 ट्रेडमोल टैबलेट, 100 एम्सूल्स ऑफ ट्रेडमोल इंजेक्शंस एंड 6.9 किलोग्राम ऑफ कोडीन वाज सीज ड्यूरिंग द रेड ऑन ट्यूजडे। ये डेवलपमेंट तब हुई है जब एनसीबी ने 4824 ट्रेमेडोल टैबलेट्स, आल्सो नोन एज आईएसआईएस ड्रग, वेइंग अराउंड 2.613 केजी फ्रॉम अ कोरियर ऑफिस इन मुंबई कुर्ला एरिया एंड अरेस्टेड अ ड्रग सप्लायर आइडेंटिफाइड एज मोहम्मद अनास फ्रॉम दिल्ली। मोहम्मद अनास को अरेस्ट किया गया था, जिसके चलते अब ये छापेमारी हुई है बुराड़ी में, फ्लैट में, और जहां पर इतनी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए। ऑफिशियल सस्पेक्ट्स का कहना है दैट द ड्रग्स वेयर स्मगल्ड टू मिडिल ईस्ट कंट्री फ्रॉम वेयर इट हैव बीन सेंट टू टेरर आउटफिट्स लिंक टू आईएसआईएस और बोको हराम इन अफ्रीका। आफ्टर इंटरोगेटिंग अनास, एनसीबी जोनल समीर वांकडे सेंट ऑफिशियल्स टू द हाइड आउट इन दिल्ली बुराड़ी लोकेलिटी। एनसीबी सोर्सेज सेड दैट मल्टीपल रेड्स कुड हैपन इन अदर स्टेट्स इन द कमिंग डेज। ये कहना है समीर वांकडे का, मल्टीपल जगहों पर रेड्स हो सकती है। अनास के अरेस्ट होने के बाद दिल्ली के फ्लैट में रेड की गई थी, ये कहना है समीर वांकडे का। ट्रेडमोल, अ पेन किलर फार्मा ड्रग, हैज बीन डिक्लेयर्ड अ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड इट्स सेल इन द कंट्री इज स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड। द ड्रग वॉज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनसीबी एक्ट इन 2018, बैनिंग इट फ्रॉम बींग सोल्ड फ्रीली ओवर द काउंटर। द सिंथेटिक ओपियाट is known to be abused on a wide scale by terrorists of the so-called ISIS to suppress pain and boost strength during injury and hence is also known as ISIS drug. Among international anti-narcotics authorities, alprazolam is used to treat anxiety disorders and panic disorder. Sudden unexpected attacks of extreme fear and worry about these attacks, alprazolam is in a class of medication called benzodiazepines. It works by decreasing abnormal excitement in the brain. तो ये एक बड़ी खबर आ रही है बुराड़ी के फ्लैट से, बड़ी मात्रा में नारकोटिक्स ड्रग्स बरामद हुए हैं एनसीबी को। तो फिलहाल एक बड़ी खबर, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।